और ये BS4 यूनिकॉर्न है। ये गाड़ी का 2 हफ्ते पहले सर्विस हुआ था, तो आज से 1 हफ्ते पहले ये गाड़ी में 2 इश्यू आए। गाड़ी का जो साउंड है वो पूरा चेंज हो गया है। गाड़ी का इंजन फ्लश करने वाला हूँ। ये STP का इंजन फ्लश है, इसके अंदर मैं इंजन ऑयल ऐड करने वाला हूँ। ये सिंथेटिक ऑयल है। टोटल 57,400 किलोमीटर डन हो चुका है 4 साल में। आइडल 15 मिनट रन रखना है, मैंने 30 मिनट आइडल पे ऑन रखा है। इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है ये होंडा यूनिकॉर्न के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यूनिकॉर्न है, 2019 का ये मॉडल है और ये BS4 यूनिकॉर्न है। और इसमें 2 इश्यू आए। इशू ये है कि ये गाड़ी का जो है 2 हफ्ते पहले सर्विस हुआ था। कौन से गैरेज से हुआ था मुझे पता नहीं, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड का गाड़ी है। तो वो सर्विस में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ हो गया था, जैसे कि ब्रेक सर्विस, एयर फिल्टर चेंज, स्पार्क प्लग क्लीनिंग, कार्बोरेटर क्लीनिंग और इंजन ऑयल चेंज। तो ये सब कुछ सर्विस में हो गया था। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी का 2 हफ्ते पहले सर्विस हुआ था, तो आज से 1 हफ्ते पहले ये गाड़ी में 2 इश्यू आए। तो सबसे पहला इशू था, वो इशू ये था कि मिसिंग प्रॉब्लम था। मिसिंग में भी 2 प्रॉब्लम आए, एक तो गाड़ी आइडल पे स्टार्ट नहीं दे रही थी, और दूसरा जो है जैसे एक्सलेट किया तो गाड़ी जो है सडनली बंद हो रही थी, जबकि वो नहीं होना चाहिए। और जो सेकेंड इशू था वो इशू ये था कि गाड़ी का जो साउंड है वो पूरा चेंज हो गया है। आप सभी को पता होगा यूनिकॉर्न का इंजन का साउंड किस तरह है। आगे मैं आपको ये गाड़ी का इंजन का करंट साउंड सुनाऊंगा है कि किस तरह आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहला प्रॉब्लम बताया मिसिंग का, आइडलिंग का और एक्सलेट का, तो वो इश्यू जो है मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है। वो प्रॉब्लम में ये था कि इसका जो कार्बोरेटर क्लीन हुआ था वो कार्बोरेटर प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ था। तो मैंने कार्बोरेटर को फिर से ओपन किया और उसके अंदर के जो 2 जेट्स होते हैं, मेन जेट और स्लो जेट, वो दोनों को निकाल के थिनर से साफ किया, पेट्रोल से नहीं थिनर से साफ किया। तो थिनर से क्या हुआ कि जो जेट के ऊपर के छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो हर होल्स क्लीन हो गए। और जैसे वो जेट्स मैंने लगाया, कार्बोरेटर को फिट किया और गाड़ी को स्टार्ट किया, तो गाड़ी आइडल पे एकदम स्टार्ट रहने लगी। प्लस जो ये जो एक्सलेटर का इशू था वो भी सॉल्व हो गया। और जो दूसरा इशू है, जैसे मैंने आपको बताया इंजन का साउंड जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इससे मुझे ये लग रहा है कि सर्विस के टाइम जो इसके अंदर इंजन ऑयल डाला हुआ है वो जेन्युइन ऑयल नहीं डाला हुआ है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आज इस गाड़ी का इंजन फ्लश करने वाला हूँ, प्लस जेन्युइन इंजन ऑयल यूज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि इंजन फ्लश क्यों करना चाहिए, इंजन फ्लश कैसे करते हैं, इंजन फ्लश करने के बाद माइलेज इंक्रीज होता है कि नहीं होता है, प्लस इंजन के अंदर ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए, कौन से ग्रेड का यूज करना चाहिए, कौन से ब्रांड का यूज करना चाहिए, इस तरह मुझे काफी कमेंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लोकल ऑयल यूज हुआ रहेगा, मैं 100% बता दूं कि लोकल ऑयल ही यूज हुआ होगा। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, गैरेज वाले के पास गाड़ी छोड़कर निकल जाते हैं और उनको बोलते कि सर्विस करो, फिर आपको पता नहीं रहता कि उन्होंने सर्विस किस तरह की है, उन्होंने कौन सा इंजन ऑयल यूज किया हुआ है। प्लस गैरेज वाला जो है लोकल ऑयल ही रखते हैं, वो लोग जेन्युइन ऑयल नहीं रखते। जेन्युइन ऑयल इसके लिए नहीं रखते क्योंकि हर कस्टमर जेन्युइन ऑयल डालने के लिए मना करता है, क्योंकि जेन्युइन ऑयल जो है थोड़ा कॉस्टली होते हैं लोकल ऑयल से, और ऐसे लापरवाही की वजह से इंजन में ऐसे इश्यूज आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप जब गाड़ी की सर्विस करते हो तो साथ में आप 4 चीज लेके जाना, जैसे कि जेन्युइन एयर फिल्टर, जेन्युइन स्पार्क प्लग, अगर आपके गाड़ी में ऑयल फिल्टर है तो जेन्युइन ऑयल फिल्टर लेके जाओ, और जेन्युइन इंजन ऑयल लेके जाओ। ये 4 चीज आप साथ में लेके जाओगे तो गैरेज वाला सब कुछ आपको करके दे देगा, लेकिन आप साथ में नहीं लेके जाओगे तो वो अपने हिसाब से सर्विस करेगा, फिर ऐसे दिक्कतें गाड़ी में आती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, तो गाड़ी के अंदर 6 महीने में या साल में एक बार अच्छा इंजन ऑयल डालो तो आपकी गाड़ी की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा मेरे पास टोटल 4 बाइक्स है, एक हंक है, एक करिश्मा है, एक हॉर्नेट है और एक एक्सेस है। चारों बाइक्स के वीडियो मेरे चैनल पे है, मैंने हंक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसको 15 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। गाड़ी का आज तक इंजन खुला नहीं है, वो गाड़ी काफ़ी चला है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी का करंट साउंड सुना के दिखाता हूँ कि किस तरह आ रहा है, और इससे आपको गाड़ी का आइडलिंग का और मिसिंग का इशू भी दिख जाएगा कि किस तरह है। ये देखो, मैंने की को किया ऑन और ये देखो मैं सेल्फ को प्रेस करता हूँ, गाड़ी विदाउट एक्सलेटर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो गाड़ी हो गई स्टार्ट, मैंने एक्सलेटर को हाथ नहीं लगाया। प्लस ये देखो RPM एकदम स्टेबल है, कोई मिसिंग नहीं है। प्लस ये देखो मैं एक्सलेट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले गाड़ी जो है बंद हो रही थी, कार्बोरेटर को मैंने क्लीन किया तो गाड़ी अभी बंद होना स्टॉप हो गई है। देखो
गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मीन्स जो मिसिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। प्लस अभी फ्रेंड्स ये देखो गाड़ी के इंजन का करंट साउंड, देखो गाड़ी ठंडी है बट आइडल पे प्रॉपरली स्टार्ट है। अगर आपका गाड़ी का कंडीशन अच्छा रहेगा, टाइम टू टाइम सर्विस रहेगा, तो गाड़ी आइडल पे ऐसे ही स्टार्ट रहनी चाहिए। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को रन करके इंजन को गर्म कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने गाड़ी को रन करके इंजन को गर्म कर लिया है। अभी फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा इंजन फ्लश लाया और मैं कौन सा इंजन यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, ये एसटीपी का इंजन फ्लश है, इसमें लिखा हुआ है देखो पेट्रोल एंड डीजल, और इंजन फ्लश किस तरह करना चाहिए इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसका कैपेसिटी है 450 ml, लेकिन बाइक के इंजन में ये पूरा डब्बा ऐड नहीं करना है, कार के इंजन ऑयल में ये पूरा डब्बा ऐड करके इंजन फ्लश करते हैं। इसका रूल ये है कि 1 लीटर इंजन ऑयल के पीछे 50 ml इंजन फ्लश ऐड करके फ्लशिंग करना है, ये इंजन फ्लश का थंब रूल है। और फ्रेंड्स ये टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है, मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया 4 बाइक्स है, तो 4 बाइक्स में से 2 बाइक के ऊपर मेरा इंजन फ्लश का वीडियो है, प्लस कार के ऊपर भी मेरा इंजन फ्लश का वीडियो है। और दूसरा जो है ये देखो, ये इसके अंदर मैं इंजन ऑयल ऐड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्रेस्ट्रॉल का पावर वन क्रूज ऑयल है, ये सिंथेटिक ऑयल है, इसमें फुल सिंथेटिक भी ऑयल आता है जो मैं हॉर्नेट में यूज़ कर रहा हूँ, और इसका कैपेसिटी है 1.2 ml, ये देखो। लेकिन मैं इसके अंदर 1 लीटर ही ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि यूनिकॉर्न में 1 लीटर ही ऑयल लगता है। बट जो ये मेरा फ्रेंड है, उसने जो एक शॉप से ऑयल लेके आया, उसने बताया कि यूनिकॉर्न में 1.2 ऑयल ही लगता है। तो मैंने ये गाड़ी का मैनुअल रीड किया, तो वो मैनुअल में ये लिखा है कि जब ओनली आप इंजन ऑयल चेंज करते हो तो 1 लीटर ही डालना, अगर इंजन ओवरऑल हुआ होगा उस टाइम इंजन के अंदर 1.2 लीटर इंजन ऑयल ऐड करना है। इसे ये बाइक के मैनुअल में लिखा हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, ये इंजन फ्लश में से 50 ml इंजन फ्लश निकाल लेता हूँ एक बॉटल में। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये बॉटल में 50 से 60 ml इंजन फ्लश निकाल दिया है। ये बॉटल का कैपेसिटी कुछ 200 ml का है, ये देखो। और इसमें से मैंने अप्रोक्स पता नहीं किया 50 ml है, बट ऑन एन एवरेज 50, 55 या 60 ml ये इंजन फ्लश निकाला हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स आपको मैं गाड़ी का करंट रीडिंग दिखाता हूँ कि ये 2019 से लेके आज तक कितना चला है। तो ये देखो, ये गाड़ी जो है टोटल 57,400 किलोमीटर डन हो चुका है 4 साल में, और अभी 2024 चालू है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था, इंजन फ्लश करने से पहले गाड़ी को गर्म करना है, इंजन गर्म होने के बाद इंजन फ्लश को इंजन ऑयल के अंदर ऐड करना है, उसके बाद गाड़ी को ऑन रख के आइडल पे रखना है। आइडल पे कितना मिनट ऑन रखना है ये इंजन फ्लश के पीछे उसके मैनुअल में लिखा हुआ होता है। तो जैसे कि ये देखो, ये एसटीपी का इंजन फ्लश है, तो इसके पीछे लिखा हुआ है ये देखो, स्टार्ट इंजन एंड रन एट फास्ट आइडल फॉर 15 मिनट्स। मैंने इंजन फ्लश काफ़ी यूज़ किया, जैसे कि वैक्सपॉल, लिकी मोली, और ये अभी थर्ड यूज़ कर रहा हूँ एसटीपी का। तो लिकी मोली पे लिखा हुआ है 5 मिनट्स, वैक्सपॉल के इंजन फ्लश के ऊपर लिखा हुआ है 10 मिनट्स, और ये जो एसटीपी का इंजन फ्लश है इसके ऊपर लिखा है 15 मिनट्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं ये इंजन फ्लश को, ये कैप को ओपन करके इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इंजन फ्लश को ऐड कर लिया है, अभी मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। एक्सलेट नहीं करना है, ओनली आइडल पे छोड़ना है, जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है 15 मिनट, तो मैं 15 मिनट आइडल पे ऑन रखूँगा। ये देखो गाड़ी हो गई स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अभी आइडल पे स्टार्ट रख के 20 मिनट हो चुके हैं, तो 20 मिनट में इंजन का जो साउंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। और फ्रेंड्स मैं और 5 मिनट गाड़ी को ऑन रखूँगा, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, इसकी वजह से जो मुझे इंजन लग रहा है वो जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म हुआ नहीं है। प्लस एक और चेंजेस हुआ है, जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया था तो RPM जो है 1100 पे था, तो वो 1200 से 1400 तक गया। प्लस ये देखो, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये देखो। तो ये सब चेंजेस होते हैं इंजन फ्लश की वजह से। हेड जो है काफ़ी गर्म हो चुका है, प्लस ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी गर्म हो गया है, प्लस ये तो गियर की साइड है।
एक बार ये क्लच प्लेट की साइड देखते, ये देखो ये जितना गर्म होना चाहिए उतना गर्म हुआ नहीं है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं और 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा आइडल पे ऑन रखूँगा। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था इंजन फ्लश के ऊपर 15 मिनट आइडल पे ऑन रखना था, मैंने 30 मिनट इंजन को आइडल पे ऑन रखा है। अभी मैं इंजन को करता हूँ बंद, ये हो गई गाड़ी बंद। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ओल्ड इंजन ऑयल को ड्रेन करना है। तो फ्रेंड्स यूनिकॉर्न का इंजन ऑयल का जो ड्रेन नट है वो ये देखो, ये 12 नंबर का नट है और ये 12 नंबर के नट को मैं ये बॉक्स पाने से ओपन कर लेता हूँ। ये स्टेनली का रैचेट सेट है और उसका ये 12 नंबर का नट का बॉक्स पाना है, ये हो गया ओपन। तो फ्रेंड्स अभी जो इंजन ऑयल होगा वो काफ़ी गर्म होगा क्योंकि उसमें इंजन फ्लश ऐड किया हुआ है। और फ्रेंड्स जो ओल्ड इंजन ऑयल है वो मैं ये 2 बॉटल में कलेक्ट कर लूँगा, ये 500 ml का एक बॉटल है और ये 750 ml का एक बॉटल है। तो ये देखो फ्रेंड्स ओल्ड इंजन ऑयल निकल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉटल का कैपेसिटी 750 ml है, तो समझो कि इसके अंदर 600 ml ऑयल आया रहेगा और ये 500 ml का बॉटल है तो इसके अंदर 400 ml ऑयल आया हुआ है। ये अभी पूरा ऑयल इसके लिए इतना निकल गया है क्योंकि ये जो ऑयल है ये अभी चेंज किया था 2 हफ्ते पहले इसीलिए। और फ्रेंड्स ये देखो ये ऑयल के थिकनेस से पता चल रहा है कि ये लोकल ऑयल ही था। अभी फ्रेंड्स मैं और 5 मिनट ऐसे ही रखूँगा ताकि इसके अंदर का पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इंजन ऑयल पूरा ड्रेन कर लिया है, प्लस 10 मिनट ड्रेन नट को ओपन ही रखा था ताकि पूरा इंजन ऑयल निकल जाए। अभी मैं ये ड्रेन नट को लगा लेता हूँ। ये ड्रेन नट अच्छे से लग चुका है और अच्छे से टाइट भी हो चुका है। तो ये देखो फ्रेंड्स इंजन में से ओल्ड इंजन ऑयल इतना निकल के आया है। तो फटाफट कैप को ओपन करके न्यू इंजन ऑयल को 1 लीटर ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिप लेवल को चेक करके देखूंगा कि डिस्ट्रिप लेवल फुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर कम दिखा तो मैं इसके अंदर 200 ml बचा हुआ पूरा ऐड कर लूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने इंजन के अंदर 1 लीटर ऑयल ऐड कर लिया है और ये देखो डब्बे के अंदर 150 से 200 ml ऑयल बचा हुआ है। अभी फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे वो गैरेज वाले ने बताया था ये गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर ऑयल लगता है, तो ये मैंने डिपस्टिक को रूमाल से साफ, इसको मैं निकालता हूँ तो देखते ये कैमरे में क्लियर हो रहा है। ये देखो फ्रेंड्स ऑयल जो है वो जो उसका लेवल है वहाँ तक पूरा दिख रहा है। मीन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी में 1 लीटर ऑयल लगता है। तो फ्रेंड्स आपके पास भी कोई भी गाड़ी हो उसका मैनुअल रीड करके ही इंजन ऑयल चेंज करना। सर्विस सेंटर वालों को भी कुछ आइडिया नहीं रहती, सर्विस सेंटर पे भी जो कुछ मैकेनिक्स होते हैं वो ट्रेनी होते हैं, को भी इतना नॉलेज नहीं रहता। अभी फ्रेंड्स गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी का साउंड जो है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो गाड़ी 1 सेल पे स्टार्ट हो गई, अभी डायरेक्टली एक्सेलेट नहीं करना है क्योंकि ऑयल जो है चेंबर से ड्रेन हो चुका है, प्लस ऑयल अभी नीचे है, हेड तक जाने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, तब तक एक्सेलेट नहीं करना है नहीं तो टैपेट का साउंड आ सकता है, टैपेट ड्राइव में चलेगा तो इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स गाड़ी का इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो गया है। आप फ्रेंड्स इंजन का जो साउंड है वो एयरफोन से सुना ताकि आपको पता चल जाएगा कि साउंड किस तरह निकल के आ रहा है। ये फ्रेंड्स यूनिकॉर्न का एक्चुअल साउंड है, ये देखो। तो फ्रेंड्स देखा आपने मैंने इंजन फ्लश किस तरह किया, गाड़ी में क्या इशू था, गाड़ी का इंजन का जो साउंड है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप भी इंजन फ्लश आपकी गाड़ी में कर सकते हो, लेकिन इंजन फ्लश हर सर्विस में नहीं करना है, 10,000 किलोमीटर के बाद करना है, अगर आपकी कार है तो 20,000 किलोमीटर के बाद करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।